हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे एंगल की मौत का न्यूज टीवी में देखती है और ये देख के तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तो वो भाग के जांगियन के पास जाती है। जांगियन ने भी वो न्यूज देख लिया तो ये कहती है, क्या तुमने वो न्यूज देखा? मुझे लगता है उसकी मौत मेरे वजह से हुआ है। जांगियन कहता है, पहले तुम बैठो और फिर बताओ कि क्या हुआ है। जांगियन कहता है, वो तुम्हारी वजह से मरा, पर ये कैसे हो सकता है? यिंग कहती है, मैंने तुमसे झूठ कही थी। मैं एक बार गिल से आंटी के शॉप के बाहर मिली। उसने कहा कि वो एक चीज ढूंढ रहा है, अगर मैं उसे वो चीज ढूंढ के देती हूँ तो वो मुझे उस दिन के बारे में सब कुछ कहेगा, इसलिए मैंने वो चीज उसे ढूंढ के दे दिया। यिंग कहते है, क्या है वो? यिंग कहती है, एक पेन जो इस ऑर्केस्ट्रा के सभी म्यूजिशियन को तोहफे में मिला था। तभी जांगियन को याद आता है कि वो जब लैंड की चीजों को चेक कर रहा था उसमें उसे एक पेन मिला था और जांगियन सब कुछ समझ जाता है। तो जांगियन कहते हैं, तो उस दिन जो तुम लैंड की चीजों को देखने आई थी और तुम वो पेन यहाँ से ले गई थी और फिर तुमने उसे गिल को दे दिया? यिंग कहती, हाँ, मुझे माफ करना। जांगियन कहता है, क्या उसने कुछ बताया? यिंग कहती है, नहीं, उसने कहा कि इसके बदले उसे बहुत पैसा मिलेगा, इसलिए उसने मुझे नहीं बताया। जांगियन कहता है, तो ऐसा ही तो होना था ना, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें सब कुछ बता देता? वो लोग तो ऐसे ही है, तुम्हें मुझे ये सब करने से पहले एक बार बताना चाहिए था। यिंग तो बहुत रोने लगती है और माफी मांगती है। जांगियन कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम अपने घर में जाओ और काम पर ऐसा जाना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो यिंग अपने रूम में चली जाती है। इधर ऑर्केस्ट्रा में जब सबको ये बात पता चलता है, मिस यून से पूछता है कि पिछले साल जो लैंड का मौत हुआ था ये तो उसी गाड़ी का ड्राइवर था। इसकी मौत सिर्फ एक्सीडेंट ही है ना, इसकी मौत के पीछे इसी ऑर्केस्ट्रा का कोई जुड़ा है? मिस यून कहती है, बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, आप लोग घर चले जाइए, आज प्रैक्टिस नहीं होगा। इधर जुअन ये के घर में आता है और अपनी दादी के साथ बैठ के खाना खाता है। तो दादी उसे उस न्यूज के बारे में कहता है, लेकिन जुअन उस बात को इग्नोर कर देता है और खाना खाने लगता है और ये चीज यिंग नोटिस करती है। उसके बाद दादी गाँव चली जाती है और उन्हें यिंग छोड़ने जाती है। उसके बाद वहाँ पे जांगियन आता है और वो पूछता है, तुमने गिल को कैसे मार डाला? मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा था, क्या उसके पास लैंड की मौत का सबूत था जिसकी वजह से तुमने उसे मार डाला? क्या वो सबूत अभी तुम्हारे पास है? जुआन कहता है, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मैं तो उस आदमी को जानता भी नहीं हूँ, तो मैं उसे क्यों मारूंगा? जांगियन कहता है, बता दो ना, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि बिल्डिंग के कहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है और गिल उस जगह की सीढ़ी से मर गया है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारी वजह से दो लोगों की मौत हो गई है, क्या तुम्हें अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? जुआन कहता है, बस करो, अगर तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाना ही है तो पहले सबूत लेके आओ। फिर बुआ से जाने लगते है। तो जांगियन कहता है, लैंड को मारने के बाद तुम यिंग के सामने कैसे जा सकते हो? क्या तुम्हें अपने कामों का थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है? जुआन कहता है, देखो, लैंड एक म्यूजिशियन था, मुझे वो बहुत पसंद था, मैं उसे 10 साल से जानता था और वो मेरा इकलौता पुराना दोस्त था, तो मैं उसे क्यों मारूंगा? और उसे किसने मारा मुझे नहीं पता। और फिर वो वैसे ही चला जाता है। जांगियन तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद जांगियन उसी प्लेस में आता है जहाँ पे गिल का डेड बॉडी पाया गया है। वहाँ पे वो सब कुछ अच्छे से देखता है। उसके जाने के बाद यिंग वहाँ पे आती है, तो वो वहाँ पे जाने वाली होती है कि जांगियन उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जाता है और कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। यिंग कहती है, गिल मर चुका है और अगर वो मेरे दिए हुए पेन की वजह से मरा हो तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि मेरे वजह से किसी की मौत हो गई है। जांगियन कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले दो लोगों की मौत हो गई है, इसलिए अगर कोई तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम कहना कि तुम उसे नहीं जानते थे, बस वो तुम्हारे चाची के शॉप में काम करता था। यिंग कहती है, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे लगता है कि उसकी मौत मेरे वजह से हुआ है। जांगियन कहते है, तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, उसने जैसे तुम्हें धमकाया था वैसे मुझे भी धमकाया था और शायद बहुतों के साथ भी ऐसा ही करता था। मुझे ऐसा लगता है कि उसे पैसों का बहुत जरूरत था, इसलिए वो उस सबूत को बहुत पैसों के बदले बेचना चाहता था और शायद उसके ऊपर में भी कोई था और शायद उस आदमी को ये सबूत मिलने के बाद वो गिल को मार देता और शायद ऐसा ही हुआ है। पता नहीं उसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से दो लोगों की मौत हो गई है। यिंग कहती है, जब उसने उससे मुझसे मिला था उसने कहा था कि वो मरने से पहले मेरे लिए एक प्रेजेंट छोड़ के जाएगा। जांगियन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि उसने सच में ऐसा ही किया है? यिंग कहती है, हाँ। जांगियन कहता है, तब तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए और हाँ,
अब से तुम अपने चाची के घर में ही रहो। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाता है कि वो अपने चाची के साथ उसके घर में बैठी हुई है। चाची कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रही है, कुछ दिन पहले यही आदमी हमारे दुकान में काम करता था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और ये वही आदमी है जो पिछले साल लैंड का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसका ड्राइवर था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने हमारे ही दुकान को क्यों चूज किया काम करने के लिए। क्या उसने तुम्हें कभी धमकाया? यही कहती है नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चाची कहती है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम ऑर्केस्ट्रा के काम छोड़ दो और कहीं दूर चले जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। इयान कहती है मैं यहाँ से नहीं जा सकती। चाची कहती है तुम्हारे ऑर्केस्ट्रा की सीढ़ियों से गिर के वो आदमी मर चुका है। इयान कहती है इसलिए तो नहीं जा सकती क्योंकि मैं और भागना नहीं चाहती। इधर हायन जो मिस्टर जेंग से मिलने के लिए जाती है, मिस्टर जेंग कहता है तुम्हारा न्यू एल्बम का काम कैसा चल रहा है। हायन जो कहती है मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। मिस्टर जेंग कहता है मैंने तो कहा था कि मुझे तुम्हारे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। हायन जो कहती है आपने कहा था कि मिस्टर कैंग के बारे में मैं जो भी जानती हूँ वो आपको बताऊँ। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती पर एक सीक्रेट इंस्टीट्यूट के बारे में जानती हूँ। मिस्टर जेंग कहता है यही मेरे लिए बहुत है। हायन जो कहती है पिछले साल आपका बेटा मरा था जो कि इसी ऑर्केस्ट्रा में काम करता था। आपका इसी ऑर्केस्ट्रा में जुड़ने का वजह यही तो नहीं है ना। मिस्टर जेंग कहता है पता है मेरा जब बेटा मरा था उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंट कह दिया, एक दिन में ही केस को बंद कर दिया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास तब पावर नहीं, लेकिन अब वक्त बदल गया है इसलिए मैं इस ऑर्केस्ट्रा का ऐसा हल करूंगा ताकि मेरे बेटे के साथ जो भी हुआ है उसका हिसाब बराबर हो जाए। तुम्हें बस ऑर्केस्ट्रा के बारे में मुझे सब कुछ बताना है और मैं तुम्हें इसी तरह ही हेल्प करता रहूंगा। इधर चाची सू को कॉल करके कहती है यिंग अपने सभी सामान को लेके अपने घर में चली गई है। सू कहती है आप परेशान मत होइए, मैं उसे समझा बुझा के घर वापस लेके आती हूँ। उसके बाद चाची के दुकान में पुलिस आती है। ये आदमी यहाँ पे काम करता था ना, आज सुबह इसका मौत हो गया है इसलिए हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। और चाची तो ये सब सुन के बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर यिंग उसी बार में जाती है जहाँ पे पिछले बार वो गिल को वो पेन देने के लिए गई थी। तो वो वहाँ के एक आदमी से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ भी पुलिस आ जाते हैं। तो पुलिस उस आदमी को गिल का फोटो दिखा के कहता है क्या ये आदमी कभी यहाँ पे आया क्योंकि इसका आज मौत हो गया है। वो आदमी तो ये सुन के शौक हो जाता और है और कहता है वो तो कल ही शाम यहाँ पे आया था। पुलिस कहता है क्या आपको उसके बारे में कुछ अजीब लगा। वो आदमी कहता है नहीं, पर उसके हाथ में कल एक बुकेट था, उसमें कुछ पीले फूल थे। तो वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि इयान चुपचाप वहाँ से निकल जाती। बाहर जाके उसे याद आती है वो जब जुआन को परफॉर्मेंस के पहले ढूंढ रही उसके रूम में उसे इसी तरह का एक बुकेट मिला था। इधर जाकियन जुआन का पीछा करता है तो वो देखता है कि जुआन मिस्टर कैंग से मिलने के लिए गया है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं तुमने क्या कर डाला, तुमने गिल को मार डाला। जुआन कहता है ये सब आप क्या कह रहे हैं, मैंने उसको नहीं मारा, मुझे तो लगता है कि आपने उसको मार डाला। कैंग कहता है मेरा एक परिवार है, मेरी एक छोटी सी बेटी है, मैं उसे भला क्यों मारूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई खूनी हूँ जो सबको मारता फिर रहा हूँ। जुआन कहता है तो मैं भी उसे क्यों मारूंगा, वैसे भी आपने पहले भी तो किसी को मार चुके हैं तो दूसरी बार क्यों नहीं। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि आपने गिल को जिस चीज को ढूंढने के लिए कहा था उसकी वजह से आपने गिल को मार डाला। मिस्टर कैंग कहता है अब तुम मेरे ऊपर इल्जाम लग रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। जुआन कहते एक बात बताइए इतने सारे स्टूडेंट के बीच में आपने मुझे क्यों चूज किया। मिस्टर कैंग कहता है तुम्हें इतनी बड़ी पोजीशन देने के बाद तुम अब मेरे ऊपर ही सवाल कर रहे हो। देखो अभी हम लोगों को झगड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इससे हम दोनों का ही नुकसान है, इसलिए आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और फिर बोवा से चला जाता है। इधर जांगियन अपने फोन में सब कुछ वीडियो कर लेता है। तो मिस्टर कैंग जब वहाँ से जा रहा था तो जांगियन उसके सामने आ जाता और कहता है कि मैंने अभी तुम दोनों को बात करते हुए सुना तुम दोनों गिल के मौत का एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम दोनों की वजह से दो लोगों की मौत हो गई, मेरे भाई को भी तुमने मारा ना। मिस्टर कैंग कहता है ये सब तुम क्या बोल रहे हो। जांगियन कहता है मैंने अभी अभी सुना कि जुआन तुम पर लैन का मौत का इल्जाम लगा रहा है। भला एक स्टूडेंट अपने टीचर पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाएगा। कैंग कहता है उसके मन में जो भी आया वो बात किया, अब उसकी बातों को विश्वास करोगे, अगर इतने यकीन है तो पहले सबूत लेके आओ फिर मुझ पर इल्जाम लगाना। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जांगियन कहता है मैं वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया हूँ जो अभी तुम दोनों कह रहे थे, देखते हो कि इसे कहा कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और मिस्टर कैंग तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर
इयान रात में उस बुकेट के लिए जुआन के रूम में जाती है, लेकिन उसे वहाँ पे वो बुकेट नहीं मिलती, लेकिन वो चाकू मिलती है और उसे कुछ कुछ याद रहने लगती है। तभी वहाँ पे जुआन आ जाते हैं और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इयान को उस दिन की कुछ फ्लैशबैक याद आती है। तो वो कहती है क्या ये चाकू आपकी है, क्या उस दिन वेयर हाउस में आप ही आए थे। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।